तो कीर्ति आजाद को लेकर बीजेपी में कलह तेज हो गई है। बीजेपी कीर्ति को आजाद कर बचने की फिराक में थी, लेकिन लगता है जैसे वो झंझट में उल्टे फंस गई है। एक तरफ विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है तो दूसरी तरफ पार्टी के अंदर ही घर में ही घमासान उठा हुआ है और सरकार के साथ साथ पार्टी के साथ साथ सरकार को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। पार्टी और सरकार की छवि को लेकर काफी सारे सवाल उठने लगे हैं। तो सवाल यही कि क्या कीर्ति आजाद को लेकर बीजेपी फंस गई है? तो कीर्ति आजाद को अरुण जेटली के खिलाफ बोलने की सजा दी गई और कार्रवाई के तौर पर उन्हें पार्टी से निलंबित किया गया, लेकिन इस निलंबन की कार्रवाई को लेकर अब पार्टी खुद झंझट में फंसी हुई है। पार्टी के अंदर कलह तेज है। हम आपको दिखा रहे हैं दो तस्वीरें किस तरह से पार्टी के अंदर इस बात को लेकर हंगामा मचा हुआ है। पार्टी में लगभग हाशिए पर जा चुके आडवाणी जोशी जैसे बुजुर्ग नेता एक तरह से कीर्ति आजाद के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। कीर्ति आजाद आज इस मार्गदर्शक मंडल से मिलने जा सकते हैं। वहीं कीर्ति पीएम से मिलने का वक्त भी मांग रहे हैं। डीडीसीए की पिच पर पड़ी गुगली पार्टी और सरकार को ही बोल्ड करने पर तुले हुई है। और इधर सूत्रों के मुताबिक बीजेपी मार्गदर्शक मंडल के नेता कीर्ति आजाद को सस्पेंड किए जाने से नाराज हैं। सीनियर नेताओं का यह मानना है कि इससे पार्टी को नुकसान होगा। दिल्ली में जहां किचकिच चल रही है, वहीं बिहार में घमासान मच गया है। सीनियर नेता सीपी ठाकुर और सुशील मोदी इस मुद्दे को लेकर आमने सामने हैं। तो घर में घमासान है और विरोधी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल यह कि क्या करप्शन के खिलाफ विसिल ब्लोअर्स के खिलाफ कार्रवाई हो रही है? अनुशासनहीनता को लेकर बीजेपी पर डबल स्टैंडर्ड के आरोप लग रहे हैं। और इस मुद्दे पर ग्राउंड रियलिटी क्या है ये जानने के लिए हम चलेंगे अपने संवाददाता के पास। साकेत कुमार हमारे संवाददाता पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही इस पर चर्चा के लिए राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं अमिताभ भट्टाचार्य वाराणसी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे और रियलिटी चेक करेंगे कि क्या हालात हैं इस वक्त बिहार में बीजेपी के और केंद्र में बीजेपी के और किस तरह से बीजेपी फंसी हुई लगती है इस मुद्दे को लेकर, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं अब तक क्या कुछ हुआ है, डीडीसीए के मुद्दे को लेकर कैसे आवाज उठाई कीर्ति आजाद ने और उन पर कार्रवाई हुई, इन सब को लेकर बीजेपी के अंदर क्या कुछ चल रहा है। पहले देखिए रिपोर्ट। जमाना तुमको मसीहा कहे ये मुमकिन है, मैं तुम्हें मसीहा कहूं ये नामुमकिन। कीर्ति आजाद को बीजेपी ने ये सोचकर सस्पेंड किया था कि मामला ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन इस सस्पेंशन ने पार्टी के लिए और भी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। कीर्ति आजाद मुद्दे को हल्का पड़ने नहीं दे रहे। कीर्ति आजाद अपने सस्पेंशन को पीएम मोदी की अदालत में ले जाने के मूड में हैं। भाई नरेंद्र मोदी जी से कहूंगा कि इसमें अवश्य घुसे आए, बीच में देखें और बताएं कि मेरी गलती क्या है, स्पेसिफिक आंसर्स की जरूरत है। बड़ा सवाल ये है कि क्या पीएम मोदी कीर्ति आजाद से मिलेंगे या फिर उन्हें इग्नोर कर देंगे। हालांकि कीर्ति को नजरअंदाज करना अब बीजेपी के लिए उतना आसान नहीं है। सूत्रों के मुताबिक कीर्ति के मसले पर बीजेपी दो फाड़ हो गई है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी मार्गदर्शक मंडल के नेता कीर्ति आजाद को सस्पेंड किए जाने से नाराज हैं। गुरुवार को बीजेपी के सीनियर नेताओं ने बकायदा बैठक की। सूत्रों की माने तो इस बैठक में आडवाणी जैसे सीनियर नेताओं का मानना है कि ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला है और इससे पार्टी को फायदा कम नुकसान ज्यादा होगा। अब पार्लियामेंट खत्म हो गई थी तो अब हम पार्टी के पुराने तो आपस में मिलते जुलते तो रहते हैं, तो वैसे मिले और चाय पी और बातचीत हुई। सूत्रों की माने तो लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा और शांता कुमार कीर्ति के सस्पेंशन के खिलाफ हैं। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा पहले ही कीर्ति आजाद के समर्थन में बयान दे चुके हैं। बीजेपी को इस सवाल का जवाब देना भी मुश्किल हो रहा है कि अगर अनुशासनहीनता को लेकर कीर्ति पर कार्रवाई हुई तो शत्रुघ्न सिन्हा पर क्यों नहीं हुई।
कि वो पार्टी के खिलाफ तमाम बयान दे चुके हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या कार्रवाई को लेकर पार्टी के दोहरे मापदंड हैं, और क्या कीर्ति पर सिर्फ इसीलिए कार्रवाई हुई क्योंकि उन्होंने जेटली पर सवाल उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। और हमारे साथ अमिताभ भट्टाचार्य हैं, राजनीतिक विश्लेषक वाराणसी से, और साकेत कुमार हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं पटना से हमारे साथ। साकेत, ये बताइए कि ग्राउंड जीरो पर हालात क्या हैं? दरभंगा से सांसद कीर्ति आजाद पर कार्रवाई हुई, इसको लेकर एक तरफ सीपी ठाकुर और सुशील मोदी में ठनी हुई है, लेकिन बात सिर्फ इन्हीं दो नेताओं के बीच नहीं है, सुशील मोदी और सीपी ठाकुर की नहीं, बल्कि इनके पीछे जो एक लाइन खड़ी है बीजेपी नेताओं की, उसमें किस तरह से खेमेबंदी हो रही है पटना में, बीजेपी में क्या दोफाड़ की स्थिति है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि बिहार बीजेपी में दो फाड़ की स्थिति है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान ही ये बात साफ हो गई थी कि पार्टी का जो प्रदेश नेतृत्व है उससे पार्टी के कई बड़े नेता नाराज चल रहे हैं, और इसको लेकर कई नेताओं ने पार्टी का दामन भी छोड़ दिया था, चाहे आप चंद्रमोहन राय की बात करें, और इस तरह के और भी कई नेता हैं जो वरिष्ठ नेता हैं, लंबे समय से आरएसएस के समय से ये लोग साथ में थे, और उसके बाद आरएसएस के बाद ये लोग इस पार्टी में ज्वाइन उन्होंने किया था, ऐसे वरिष्ठ नेता थे ये, तो उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ा था, तो पार्टी का जो प्रदेश नेतृत्व है इससे नाराजगी पिछले कई सालों से यहां बिहार में चल रहा है, और इस बार विधानसभा के चुनाव में तो खुलकर इसकी जो झलक है वो दिखी थी। अब चूंकि सुशील मोदी ने जो बात कही है कीर्ति झा आजाद के ऊपर जिस तरह से एक्शन हुआ है उसके बाद, उसको लेकर भी गतिरोध अब फिर से एक बार मुखर हो गया है प्रदेश नेतृत्व को लेकर। सीपी ठाकुर ने सवाल उठाया, जिस तरह से सुशील मोदी ने कहा था कि इस तरह के और भी जो नेता हैं, चाहे वो शत्रुघ्न सिन्हा हो, चाहे आरके सिंह हो, ऐसे तमाम नेता जो पार्टी के खिलाफ गोलबंदी कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर सीधे तौर पर खुलकर मीडिया के सामने उन्होंने सीपी ठाकुर ने इसका विरोध किया और कहा कि इस तरह से आप कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, बल्कि मिल बैठ कर बात करने से ही इसका हल निकलेगा। तो ये नाराजगी जो है कीर्ति आजाद के मुद्दे को लेकर बिहार बीजेपी में भी घमासान काफी तेज है। हमारे साथ अमिताभ भट्टाचार्य हैं। अमिताभ जी, ये बताइए कि बीजेपी को इस पूरे प्रकरण में कितना नुकसान होता हुआ आप देख रहे हैं बीजेपी की छवि को? बीजेपी तो व्हीसल ब्लोअर के समर्थक रहा है, उनको तो व्हीसल ब्लोअर भ्रष्टाचार के खिलाफ, मोदी जी स्वयं व्हीसल ब्लोअर रहे हैं जी, वो आज भी व्हीसल बजा रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, विशेषकर कांग्रेसी भ्रष्टाचार के खिलाफ। इस बात की परेशानी है कि व्हीसल ब्लोअर भी पिक एंड चूज क्यों कर रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी व्हीसल ब्लोअर हैं सोनिया गांधी और राहुल के खिलाफ, मगर वो मैयप्पन या मैयप्पन के ससुर जी के साथ खड़े रहे क्रिकेट प्रकरण में जी। ये बड़ी विचित्र विडंबना है कि व्हीसल ब्लोअर का भी चेहरा हम देख रहे हैं, जो खूबसूरत लग रहा है, जो मेरे हिसाब से अच्छा है वो तो अच्छा है, बाकी बुरा है। और बीजेपी के अंदर ये एक अच्छी बात है कि इस तरह के संघर्ष विकसित हो, ताकि बीजेपी में भी परिष्करण, अंदरूनी सफाई का काम हो सके जी, ताकि मोदी जी को एक ऐसा स्वच्छ बीजेपी मिले जी, कीर्ति आजाद जैसे लोगों की एक स्वच्छ बीजेपी मोदी जी को मिले, ताकि वो आगे विकास कर सके। बिल्कुल, आज कीर्ति आजाद ने वक्त भी मांगा है, वो प्रधानमंत्री से भी मिल सकते हैं, इससे पहले मार्गदर्शक मंडल से भी मिलने का उन्होंने वक्त मांगा है। सवाल ये है कि बीजेपी के अंदर कीर्ति आजाद के मुद्दे को लेकर जिस तरह से खेमेबंदी हो रही है, और जो मैसेज गया है इन सब का, क्योंकि मार्गदर्शक मंडल ने भी कहा कि इससे मैसेज सही नहीं गया है, तो पार्टी के अंदर तो खलबली है ही, विरोधी भी सवाल उठा रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि व्हिसल ब्लोअर्स की आवाज क्या दबाई जा रही है, और चाल चरित्र चेहरे वाली जो पार्टी कही जा रही थी, पार्टी विथ डिफरेंस कही जा रही थी, क्या वो भी कांग्रेस की राह चल पड़ी है? देखिए रिपोर्ट। डीडीसीए विवाद को बीजेपी ने जिस तरह से हैंडल किया उससे सवाल उठने लगे हैं कि क्या बीजेपी भी कांग्रेस की राह चल पड़ी है। इंदिरा की मौत के बाद 1984 में राजीव गांधी जबरदस्त मैंडेट लेकर आए थे। राजीव की सरकार से लोगों को तमाम उम्मीदें थीं, मगर जल्द ही सारी उम्मीदें निराशा में बदल गईं। राजीव गांधी पार्टी में ही घिर गए, कांग्रेस में घमासान शुरू हो गया। आरिफ मोहम्मद ने शाबानो केस को लेकर आवाज बुलंद की तो ज्ञानी जैल सिंह ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोला। वहीं बोफोर्स कांड पर मिस्टर क्लीन की इमेज डेंट हो गई और वीपी सिंह पार्टी से अलग हो गए, और नतीजा ये हुआ कि 89 में राजीव गांधी को सत्ता गंवानी पड़ी।
राजीव जहां सहानुभूति की लहर में प्रचंड बहुमत लेकर आए थे, तो 2014 में पीएम मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ बने माहौल में हीरो बनकर उभरे। लेकिन 1.5 साल बाद ही पार्टी के अंदर विरोध के सुर तेज हो गए हैं। मंत्रियों के खिलाफ पार्टी के नेता ही सवाल उठा रहे हैं, पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मेरे को किसी का विरोधी नहीं है, मेरा भ्रष्टाचार का विरोध है, और अगर मेरे भ्रष्टाचार से किसी को विरोध है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मुझे कोई बता देना मैंने किसी का व्यक्तिगत नाम लिया है क्या। प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अब उनके MP कह रहे हैं कि किसी ने खाया है और उसको सस्पेंड कर दिया, तो आप ही बताइए मुझे। पार्टी विद डिफरेंस, अब पार्टी विद डिफरेंसेस हो गई है। तमाम नेता अपने मन के मुताबिक बयानबाजी करने लगते हैं। हालात ये हैं कि कई नेता पार्टी की नहीं सुन रहे। आडवाणी की अगुवाई में सीनियर नेता वक्त वक्त पर सवाल उठाते रहे। अरुण शौरी मोदी सरकार की तुलना कांग्रेस से कर चुके हैं। यशवंत सिन्हा पाकिस्तान नीति पर सवाल उठा चुके हैं। शत्रुघ्न सिन्हा पार्टी लाइन के खिलाफ बयान देते रहे हैं। पीएम और बीजेपी अध्यक्ष के कहने के बावजूद महंत आदित्यनाथ और साक्षी महाराज जैसे नेता बयान देते रहते हैं। जाहिर है पार्टी के अंदर की ये हलचल सरकार और पीएम के कामकाज पर असर डाल रहा है। भ्रष्टाचार को लेकर सरकार की नो टॉलरेंस की नीति पर भी सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। और हमारे साथ पटना से हैं हमारे संवाददाता साकेत कुमार और हमारे साथ अमिताभ भट्टाचार्य वाराणसी से राजनीतिक विश्लेषक। अमिताभ जी, कई सारे मुद्दों को लेकर, कई सारी बातों को लेकर ये कहा जाता है कि सत्ताधारी पार्टी का चरित्र एक समान होता है चाहे जो भी पार्टी सत्ता में आए, और ये आरोप बीजेपी पर भी लगे हैं, चाहे अर्थशास्त्र की बात हो, आर्थिक जगत की बात हो, या फिर और भी कई सारे मुद्दे। लेकिन अब जब विसिल ब्लोअर की बात आ रही है तो इसमें भी जो रिपोर्ट में हमने बात की, उस जमाने की, उस दौर की अगर तुलना करें 1989 के वक्त की अगर कांग्रेस से, तो क्या वही सब कुछ दिख रहा है बीजेपी के भी अंदर जो अपने आप को बिल्कुल अलग पार्टी बताती थी? नहीं, कुछ तो गंभीर संकट है, और वो गंभीर संकट ये है कि दूसरे अगर कोयले के खान में हाथ डाले तो उनका हाथ हम काला कहेंगे। अपने लोग जानकर या अनजाने में अगर कोयला पकड़ लेते हैं तो हम उसको पोछ देंगे इंस्टेड कि हाथ काला है कहेंगे। ये दृष्टिकोण जो है ये हमने पूर्व शासकों में तो देखा ही जी। पूर्व शासकों में, मैं कांग्रेस पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, पूर्व शासकों में तो ये परंपरा रही ही। अब इसको अगर राजधर्म हम लोग मान लें कि सत्ता में जो भी आएगा इसी राजधर्म का अनुपालन करेगा, तब तो खतरा है। हालांकि अभी एक उम्मीद की किरण है, वो मिस्टर क्लीन नरेंद्र मोदी जी, उनके पास अगर कीर्ति आजाद किसी तरह से पहुंच पाते हैं, अपने पक्ष को रख पाते हैं जी, तो शायद ये दृश्य बदल सकता है। हालांकि 50% बात में संभावना खत्म कर दिया है मोदी जी ने जी। पहले ही माननीय अरुण जेटली जी को क्लीन चिट देकर जी। अरुण जेटली जी व्यक्ति असाधारण अच्छा हो सकते हैं जी, मगर कुछ घटनाएं आर्थिक अनियमितताओं की घटी हैं जी, जिस पर जांच करने में तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी जी। सवाल ये है कि एकमात्र उम्मीद आप बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की तरफ अभी बची हुई है, कि नरेंद्र मोदी से मिलते हैं कीर्ति आजाद, अगर वक्त उन्हें देते हैं पीएम, और इसके बाद क्या कुछ होता है। लेकिन वहीं पर ये सवाल विरोधाभास भी उत्पन्न करता है कि इससे पहले ही नरेंद्र मोदी ने जो बयान दे दिया था कि वो आडवाणी की तरह बिल्कुल बेदाग होकर उभरेंगे अरुण जेटली के बारे में, उससे ये उम्मीद भी धूमिल होती हुई नजर आती है। आपको बताएं कि जो घमासान मचा हुआ है ये पार्टी के अंदर सिर्फ दिल्ली में ही नहीं है बल्कि बिहार में भी घमासान मचा हुआ है, और चूंकि कीर्ति आजाद दरभंगा से सांसद हैं इसलिए दरभंगा में भी पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा रोष है। बिहार के दरभंगा से सांसद कीर्ति आजाद के निलंबन के मामले पर दिल्ली ही नहीं बल्कि बिहार में भी घमासान मचा हुआ है, और कीर्ति आजाद के समर्थकों ने दरभंगा में जहां उनके निलंबन का विरोध करते हुए जमकर प्रदर्शन किया है, वहीं सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और पार्टी सांसद सीपी ठाकुर भी आमने सामने हैं। सीपी ठाकुर ने इस मामले पर सुशील मोदी के बयान को गैर जरूरी बताते हुए यह कहा है कि बिहार भाजपा में, बिहार बीजेपी में कोई भी बागी नहीं है,
आपको बताएं कि सुशील मोदी ने इससे पहले पार्टी के खिलाफ बयान देने वाले सभी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी। बिहार में एक और बीजेपी नेता को सस्पेंड भी किया गया है। इसका स्वागत करती है और कल मैंने ट्वीट करके बिहार बीजेपी के लाखों कार्यकर्ताओं की भावनाओं को मैंने प्रकट किया था। आज मुझे खुशी है कि केंद्रीय नेतृत्व ने और श्री कीर्ति झाजाद को निलंबित किया है। उनको मना किया था हमारे अध्यक्ष ने, वो भारतीय जनता पार्टी पार्टी का सबसे बड़ा आदमी अध्यक्ष होता है तो उनको उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहिए, इसलिए पार्टी से उनको सस्पेंड किया। और साकेत हमारे संवाददाता पटना से हमारे साथ हैं। साकेत, ये बताइए कि आरके सिंह ने, शत्रुघ्न सिन्हा ने चुनाव के वक्त, बिहार चुनाव के वक्त बहुत बढ़ चढ़ कर बयान दिया था और पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले बयान भी दिए थे। अभी शत्रुघ्न सिन्हा ने कीर्ति आजाद का पक्ष लिया और उन्हें हीरो बताया था, इसके बाद के बयान, इसके बाद का उनका रुख क्या सामने आया है, या कीर्ति आजाद पर निलंबन के बाद शत्रुघ्न सिन्हा खामोश हो गए हैं? देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा ने तो पहले से, माफ कीजिएगा, शत्रुघ्न सिन्हा ने पहले से ही ये साफ कर दिया था कि वो पार्टी से अब कहीं ना कहीं बगावत के जो उन्होंने स्वर बुलंद किए थे उसके बाद से ये साफ जाहिर था कि शत्रुघ्न सिन्हा अभी मानने वाले नहीं है और लगातार इस तरह के बयान उनके आते रहे, चाहे वो जब भी पटना आते हैं तब उनके तरफ से जो बयान आता है वो पार्टी की आजाद के मुद्दे पर, डीडीसीए घोटाले का मुद्दा जैसे उछला था इस मुद्दे पर, जैसे उन्होंने शुरुआत में हीरो कहा था कीर्ति आजाद को, कीर्ति आजाद के निलंबन के बाद उनका रुख क्या है और उनके साथ साथ आरके सिंह या पार्टी में और भी जो बेबाक बयानबाजी के लिए जाने जाते थे या फिर खुलकर बोलने वाले जाने जाते थे, वो किस तरह से लामबंद हो रहे हैं? देखिए, बिल्कुल, जो यहाँ पर कीर्ति झा आजाद पर जो जिस तरह से कार्रवाई पार्टी ने की है उसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा, हालांकि अभी तक उनके तरफ से कोई इस तरह का बयान, चूंकि वो पटना में है भी नहीं, इस वजह से यहाँ पर उनका इस तरह का कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जो और नेता जो पार्टी से नाराज चल रहे हैं, जो पार्टी बिहार का जो पार्टी नेतृत्व है, सुशील कुमार मोदी, मंगल पांडे जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनसे जिनकी नाराजगी है, वो कहीं ना कहीं अभी भी मुखर है, वो लगातार इस जो ये कार्रवाई हुई है उसका वो विरोध कर रहे हैं और जिस तरह से दिल्ली में राजनीति गर्म है इस मसले को लेकर, उसकी झलक अब बिहार में दिखने लगी है और यह नाराजगी बिहार में और बढ़ने वाली है, क्योंकि बिहार चुनाव में जिस तरह से हार मिली है बीजेपी को, उसके बाद कहीं ना कहीं जो पार्टी के भीतर जो बगावती सुर थे वो धीरे धीरे बुलंद हो रहे हैं। इसका यह मतलब है कि जो यहां का नेतृत्व पार्टी की छवि को बिहार में भी काफी नुकसान हुआ है और नुकसान हो रहा है, क्योंकि वहां पर पहले भी इस तरह के बयान सामने आए थे अलग अलग सांसदों या फिर नेताओं की तरफ से और एक बार फिर कीर्ति आजाद का यह मुद्दा। अमिताभ जी, जिस तरह बीजेपी के अंदर यह घमासान मचा हुआ है और कांग्रेस से इसकी तुलना की बात जो की जा रही थी उससे बचने की कोशिश करे बीजेपी के, उसकी छवि धूमिल ना हो, जो छवि धूमिल होते हुए दिख रही है, इसमें एक उम्मीद की किरण आपने बताया था कि प्रधानमंत्री हैं जो दखल दे सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने जैसे बयान पहले ही दे दिया था अरुण जेटली को लेकर, एक तरह से कहें क्लीन चिट दे दी थी अपनी तरफ से उन्होंने, इसके बाद भला कितनी उम्मीद बचती है? नहीं, राजनीति में बयान पलटने को अपराध नहीं माना जाता है, इसलिए प्रधानमंत्री जी अपनी बात को रिवाइज भी कर सकते हैं जी। और राजनीति में एक शिक्षा दी जाती है, वन स्टेप फॉरवर्ड टू स्टेप बैक, तो अगर वन स्टेप फॉरवर्ड में दिक्कत हो रही है, टू स्टेप बैक करने में क्या दिक्कत है? क्रिकेट में भी बैकफुट में जाके स्ट्रोक लिए जाते हैं जी। और प्रधानमंत्री जी के मास्टर स्ट्रोक हो सकता है बैकफुट में ही है। कीर्ति आजाद ने जो संकट पैदा किया है वो उनकी क्रिकेट की आदत ने जी। हालांकि अमिताभ जी देखिए, उनके उसी बयान में एक बात छिपी हुई है, उन्होंने सीधे सीधे अरुण जेटली को क्लीन चिट नहीं दी थी बल्कि आडवाणी से तुलना कर दी थी, तो उसके भी कई मायने उस समय तलाशे गए थे, उसके भी कई मायने निकाले गए थे, तो हो सकता है कि उसमें वो संभावना छिपी हुई हो जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, वो राजनीति में मायावी सरोवर है जिसमें आप गोता लगाने पर स्वच्छ होकर निकल आ सकते हैं जी। तो वो मायावी सरोवर का इशारा उनकी बातों में रही। कीर्ति आजाद ने जो संकट पैदा किया वो मिडिल ऑर्डर की आदत जी,
उन्होंने व्हिच बॉल टू हिट कर दिया, उनको व्हिच बॉल टू लीव करना चाहिए था कि चलो ये अपनी बात है, इस पर चर्चा मत करो, उन्होंने हिट कर दिया। अब ये मूलतः एक कीर्ति आजाद इत्तफाक है, बाकी जो पार्टी के अंदर नॉन एंटागोनिस्टिक कॉन्ट्राडिक्शन है, आपसी बैमनस्य है, ये कीर्ति आजाद को सामने रख के सरफेस होना शुरू हो गया, ये खतरा है। एक पार्टी अभी अगले 3 साल तक कुछ अच्छा करने, लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ अच्छा करेंगे, तो ये संभावनाएं बनती हैं कि इन सब चीजों पर पार्टी धीरे धीरे कंट्रोल पाए और जो आवाजें मुखर हो रही हैं उनमें बीच का कोई समाधान निकाला जाए और प्रधानमंत्री की तरफ आस लगी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अमिताभ भट्टाचार्य। साकेत आपका भी धन्यवाद ग्राउंड रियलिटी बताने के लिए। और इसी के साथ आज का एजेंडा में फिलहाल इतना ही।